हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। क्लास एट सब्जेक्ट मैथ्स। कल हम लोगों ने डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था, आज उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 देखा था और आज जो है एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपुल लाइक इन ए सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। ये आपको देख रहे हैं पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट में ये आपके म्यूजिक के कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन इस पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब फर्स्ट है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिक म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। मतलब इसमें आप क्लासिक म्यूजिक देख रहे हैं, क्लासिक म्यूजिक आपका ये है क्लासिकल म्यूजिक, और इस क्लासिकल म्यूजिक में 10% आपके ये हैं। इसमें पूछ रहा है कि 10% इक्वल अगर 20 हैं तो पूरे म्यूजिक इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे या कितने लोग शामिल थे। तो आइए अब इसमें हम ये देखते हैं कि 10% इक्वल 20, तो 100% पूरा, मतलब ये 100% हो गया। आप देख सकते हैं 40, 20, 60, 70 और 30, 100 हो गए। तो इस तरीके से ऐसे अभी इसमें आगे और ऐसे तीन क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, आपको अभी आगे आंसर में देख रहे हैं। ये आंसर फर्स्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल, देयरफॉर 100% रिप्रेजेंट्स 100 इंटू 20 डिवाइड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 200 पीपल आएंगे। हेंस 200 पीपल वेयर सर्वेड, मतलब इस सर्वे में 200 लोग थे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन, लाइट म्यूजिक लाइक्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। लाइक म्यूजिक क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो लाइक कर रहे हैं वो आपके क्या हैं, 40%, यानी ये लाइक म्यूजिक लाइक्ड बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, कह रहा है, इफ ये कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड बाई दे मेक्स। अब इसमें 1000 सीडी हैं और उसमें हर एक टाइप के म्यूजिक कितनी सीडियां होंगी ये आपको बताने हैं। तो जैसे आप देखें कि सीडी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ये सीडी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, इसमें आप देख रहे थे क्लासिकल में आपके 10% थे, तो 1000 का 10%, यानी 10 × 1000 डिवाइड बाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 सीडी आपके क्लासिकल म्यूजिक के होंगे। इसी तरीके से सीडी ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक 20% है, तो 20 × 1000 डिवाइड बाई 100, सिंप्लीफाई करेंगे 200 आएगा। लाइट म्यूजिक में 40% है, तो 40 × 1000 डिवाइड बाई 100 इक्वल 400। फोक म्यूजिक 30% है, तो 30 × 1000 डिवाइड बाई 100 इक्वल 300। तो इस तरीके से हम कितने इस पाई चार्ट से नंबर ऑफ कैसेट बता सकते हैं। अगर टोटल नंबर
आपके मालूम है तो हम पाई चार्ट ड्रा कर सकते हैं। तो नाउ अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी विंटर एंड समर में ये दिए गए हैं। और इसके आप देख रहे हैं कि ये जो है एक टेबल बना के दिया है, सीजन समर में 90, रेनी में 120, विंटर में 150 है। इसमें सबसे पहले इसमें हमें जो पाई चार्ट ड्रा करना है, पाई चार्ट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे। अभी सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, इसमें सबसे क्वेश्चन पहले आप देख लें, कह रहा है कि व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। अब आप देख सकते हैं किस सीजन में सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ तुरंत आप देख सकते हैं कि ये विंटर में 150 वोट्स हैं। यानी वैसे भी सभी लोग विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं और ये विंटर सीजन 150 लोग हैं 360 में, जो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जैसे हमने अभी बताया कि कोई भी पाई चार्ट ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता है। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, अब आप देखें इस टेबल में देखें, सीजन नंबर ऑफ वोट्स, इसको फ्रैक्शन में लिखें, इन फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन का मतलब ये 360 टोटल दिए हैं, इसमें समर के कितने हैं 90, तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ 90/360। इसका सेंट्रल एंगल निकालना है तो फ्रैक्शन इनटू 360, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, तो जो फ्रैक्शन आपका आया है उसमें 360 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ 90/360 × 360 डिग्री, तो ये 360 कैंसिल हो जाएगा और 90 आ गया, इसलिए यहाँ ये 90 डिग्री हो गया, समर का 90 डिग्री हो गया। ऐसे रेनी सीजन का निकालना है, विंटर सीजन का निकालना है, तो ये इस तरीके से इसके हमें जो है क्या मिल गए, सेंट्रल एंगल। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, ड्रा ये पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन, मतलब इस इंफॉर्मेशन को आपको पाई चार्ट में ड्रा करना है। तो पाई चार्ट में सबसे पहले किसी भी रेडियस का एक सर्किल हम बनाते हैं, और सर्किल बनाने के बाद इसमें आप कोई भी एक, जैसे हमने एक रेडियस ये ड्रा कर लिया, कोई भी रेडियस का एक सर्किल है, इसमें एक रेडियस ड्रा कर लिया, इस रेडियस से सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल, जो यहाँ आप देख रहे हैं समर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब एक ये दूसरी लाइन, दूसरा रेडियस ड्रा कर दिया, ये हो गया। उसके बाद रेनी सीजन में इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल 120 है, तो इस लाइन्स के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री ये हम बनाएंगे। 120 डिग्री बनाने के बाद एक दूसरी ये रेडियस लाइन ड्रा कर देंगे, जिससे ये रेनी सीजन का हमारा पार्ट हो गया। ऐसे विंटर सीजन का ये हमें ड्रा करना है इस लाइन से 150। वैसे भी आप देखें तो 360 टोटल है और ये दो हम ड्रा कर लिए, तो तीसरा अपने आप ये 150 डिग्री का हो जाएगा, जो विंटर सीजन का होगा। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाई ए स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाई द स्टूडेंट देयर 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें अब आप देखो टोटल नंबर, वहाँ पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि 360 टोटल थे, इसलिए जितना
जो डिग्री आया था वो एग्जैक्ट उतना ही आया था, लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ डिफरेंट हैं, तो इसमें जो सेंट्रल एंगल हमें निकालना है ये इस तरीके से आएगा। अभी इसमें हम बताते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन इसमें आप ये रीड कर लेना, जैसे इन विच सब्जेक्ट डिड दी स्टूडेंट स्कोर मार्क्स 150। अब इसमें हम ये नहीं बता सकते कि 150 मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, तो इससे जो सेंट्रल एंगल दिया है इससे हम और टोटल मार्क्स से हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मार्क्स निकालेंगे। मार्क्स निकालने के लिए जैसे ये आप देखें, सब्जेक्ट सेंट्रल एंगल आपके दिए हैं और इसमें मार्क्स आप टेंड करेंगे तो 90, जैसे फ्रैक्शन में वहाँ 90/360, क्योंकि सेंट्रल एंगल आपका 360 है, उस 360 में मैथमेटिक्स का 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री/360 डिग्री इंटू 540 टोटल मार्क्स, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 135 मार्क्स है, यानी मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स हो गया। इसी तरीके से सोशल साइंस में आप देख रहे हैं 65 डिग्री है, तो 65/360 × 540 इसको सिंप्लीफाई किया तो 97.5 आएगा। सिमिलरली आप साइंस का, हिंदी का और इंग्लिश का निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालेंगे तो साइंस में 120 और हिंदी में 105 और यहाँ इंग्लिश में 82.5 है। अब इसमें जैसे अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था कि किस सब्जेक्ट में आपका 105 मार्क्स हैं, तो 105 मार्क्स आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 105 मार्क्स है और ये कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है। तो इस तरीके से द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी, ये इसमें कहा। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेंड बाई द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हाउ मेनी मोर मार्क्स मतलब कितने मार्क्स अधिक हैं स्टूडेंट का हिंदी की अपेक्षा मैथमेटिक्स में। तो इसको आप देखें, इसका सलूशन ऐसे, मार्क्स ऑब्टेंड इन मैथमेटिक्स 135 ऊपर निकाल चुके हैं और ऑब्टेंड मार्क्स ये 105 हिंदी में है, तो 105 है। अब इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें तो डिफरेंस 135 − 105 = 30 आया। दस 30 मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मतलब 30 नंबर हिंदी से अधिक मैथमेटिक्स में है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। आइए इसका क्वेश्चन का आंसर, द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन दोनों को ऐड कर लिए, हमने देखा सोशल साइंस में 97.5 है और मैथ्स में 135 को ऐड किया तो 232.5 हुआ। इसी तरीके से साइंस और हिंदी का ऐड करना है, साइंस और हिंदी का ऐड करेंगे तो 120 साइंस में और हिंदी में 105, 225 इसका सम हुआ। अब आप इसमें देखिए, यस ये आपका कह रहा था कि इनका कितना अधिक है, तो यस द सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, यानी सोशल साइंस और मैथ्स का नंबर का सम साइंस और हिंदी के नंबर के सम से अधिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा ए पर्टिकुलर
पाई चार्ट फॉलोइंग शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द टेबल शो द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इससे आपको ये जो है आपका होमवर्क है, इससे आपको पाई चार्ट बनाना है और ये पाई चार्ट आप लोग उसी तरीके से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो डिस्प्ले द डेटा इन ए पाई चार्ट। पाई चार्ट इसको भी, इस डेटा को भी पाई चार्ट में बनाना है। तो ये दो आपके पाई चार्ट बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, ऊपर हमने बताया है, उसी तरीके से उसी की हेल्प लेकर के आप ये बनाएंगे। और अब आते हैं हम इस चैप्टर्स के लास्ट एक्सरसाइज के लिए। कुछ कंसेप्ट हैं उसको हमें देखना है। फर्स्ट ये है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, चांस हर एक इंसान के पास, सभी के पास पूरे चांस होते हैं। और चांस यहाँ जो है सबका 100%, चांस मीन्स 100%, सबके अवसर जो है सभी को 100% है, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इससे रिलेटेड कुछ हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको ध्यान देना है। देयर आर सर्टन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ आपके। आप देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जितने भी आउटकम्स हों वो सभी आपकी इक्वल चांस ऑफ आकरिंग चांस आपको मिलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड एग्जैक्टली इन एडवांस। मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी पहले से उसमें अनफेयर बनाया गया हो। मतलब जैसे आप अगर एक पिक्चर की ध्यान दें, जैसे पिक्चर आपका शोले था, उसमें जय और वीरू ने आपको एक कॉइंस लिए थे, और कॉइंस में आपने देखा होगा कि दोनों तरफ हेड बने रहते थे। इसमें जय जब भी वो कॉइंस को टॉस करता था तो उसमें दोनों तरफ मतलब हेड आ जाते थे, हमेशा उसके पक्ष में आता था। लास्ट में वीरू ने देखा और उस कॉइंस को फेंक दिया था। तो ऐसा कॉइंस नहीं होना चाहिए कि बार बार हमेशा एक ही के पक्ष में आए। तो ऐसे आउटकम्स को हम अनफेयर आउटकम्स कहते हैं, जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो। मतलब कुछ भी आ सकता हो, अगर कॉइंस को टॉस कर रहे हैं तो हेड्स भी आए या टेल भी आए, इसमें दो होंगे, ये ध्यान में रखना है। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ आकरिंग। मतलब दोनों का चांस सेम होना चाहिए। जैसे अगर कॉइंस को टॉस कर रहे हैं तो उतना उतने चांस हेड के भी हों, उतने चांस टेल के भी हों। तो ये आपका इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक ये फार्मूला है। आप देखें, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब उस आउटकम्स में हमारे पक्ष में कितने इवेंट आ रहे हैं, उसका इसको फेवरेबल आउटकम्स भी हम कहते हैं। और उस आउटकम्स में टोटल ये आउटकम्स हैं। जैसे क्वाइंस में हेड एंड टेल टू आउटकम्स हैं, तो हेड आने की हेड का आउटकम्स वन है अगर, तो हेड की अगर बात करते हैं तो यहाँ वन, और टोटल आउटकम्स यानी टू, यानी वन बाई टू एक हेड की प्रोबेबिलिटी जब एक क्वाइंस को हम वन टाइम टॉस करेंगे। सेम वन आर मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। इस तरीके से आप बहुत बना सकते हैं इवेंट। जैसे डाइस है, क्वाइंस और डाइस को मिला दें तो कैसे इवेंट बनेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ।
रियल लाइफ में ये चांस और प्रोबेबिलिटी का बहुत उपयोग होता है, हमेशा इसी के थ्रू। नाउ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ये स्पिनिंग ये हुई, बी टॉसिंग टू कॉइंस टूगेदर। फर्स्ट है ये स्पिनिंग ये हुई, तो देर आर फोर लेटर्स ए बी सी डी इन ए स्पिनिंग व्हील, सो देर आर फोर आउटकम्स, इसके फोर आउटकम्स होंगे। लेकिन अगर टोटल आउटकम्स की बात किया जाए, टोटल आउटकम्स तो आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आउटकम्स आपके 5 होंगे। इसी तरीके से दूसरा आपका बी टॉसिंग टू कॉइंस टुगेदर, तो इसमें दो कॉइंस को एक साथ आप टॉस कर रहे हो, टॉस्ड, तो फोर आउटकम्स होंगे। पहले है, पहले कॉइंस में आपके हेड एंड टेल, दूसरे कॉइंस में हेड एंड टेल, फर्स्ट कॉइंस का हेड दूसरे कॉइन का हेड के साथ एक, फिर फर्स्ट कॉइंस का हेड दूसरे कॉइंस का टेल एक, और फिर पहले कॉइंस का टेल और दूसरे कॉइंस का हेड, फिर आपका पहले कॉइंस का टेल दूसरे कॉइंस का टेल, इस तरीके से मिला करके ये जो है, जब दो कॉइंस को एक साथ उछाला जाता है तो चार आउटकम्स आपके बनते हैं ये। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब आप एक डाई जब थ्रोन किया जाता है तो उसमें आपके टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 6 हैं, 1 से लेकर के 6 नंबर तक होते हैं डाइस पर। तो डाइस में इसके टोटल आउटकम्स अगर लिखना है तो 1 से लेकर के 6 तक हम लोग ये लिखते हैं। इसमें फर्स्ट पूछ रहा है कि ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अब हमें ध्यान में आना चाहिए कि प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 5 ये आपके प्राइम नंबर हैं। तो इस तरीके से इसके जो आउटकम्स होंगे वो ये होंगे 2, 3 एंड 5 होंगे। दूसरा नॉट ए प्राइम नंबर, अब इन तीन को छोड़ करके जो नंबर बचेंगे वो आपके क्या होंगे, नॉट प्राइम नंबर। तो जैसे 1, 4 और 6 ये आपके नॉट प्राइम नंबर हैं। सेकंड का फर्स्ट कह रहा है आउटकम्स ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5, उस डाई में 1 से 6 नंबर तक हैं और 5 से बड़ा यानी कौन सा नंबर होगा, 6 होगा, तो अकेला नंबर है आपका उस डाइस में जो आपका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेकंड का फर्स्ट 6। इसमें बी पार्ट कर रहा है ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा ना हो, यानी 5 भी उसमें हो, उसमें 5 भी होगा, ठीक है, 5 से बड़ा केवल नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके 5 नंबर हो गए जो आपके उस डाइस में 5 से बड़े नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द फर्स्ट कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। आप पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ए का जो स्पिनिंग व्हील का प्रॉब्लम है उसमें आप देखें कि टोटल आउटकम्स आपके 5 हैं और डी अकेला है, तो उसमें जो आपका इसका प्रोबेबिलिटी है तो फेवरेबल आउटकम्स आपके 1 हैं और टोटल 5 हैं। आप देखें कि ये 5 टोटल हैं और इसमें डी अकेला है, तो ये डी 1 और ये टोटल 5, यानी पॉइंटर डी का जो पॉइंटर स्टॉप एट डी विच इज 1 आउटकम्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी 1/5।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 हुआ। दूसरा प्रॉब्लम इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एक प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें आपको एस के बारे में कहा जा रहा है, तो 4 एस होते हैं, तो 4 एस इन ए डेक, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। सो प्रोबेबिलिटी इसकी एस हमारे 4 हैं और टोटल 52 हैं, यानी 4/52। इस तरीके से प्लेइंग कार्ड में बहुत डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एस के बारे में हो गया, फिर किंग, आपके 4 किंग भी होते हैं, फिर 4 आपके जैक भी होते हैं, 4 क्वीन भी होते हैं, यानी सारी पत्तियां, सारे कार्ड्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, 4-4 होते हैं, ठीक है। तो इसमें जिसमें चित्र बने रहते हैं उनको फेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप अब यहाँ देखें, इसमें इस तरीके से एस की प्रोबेबिलिटी ये 4/52 इक्वल 1/13, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो है थर्ड यानी सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। इस फिगर में आप रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देखो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल आपके 7 एप्पल हैं। रेड कहाँ हैं, 1, 2, 3, 4 आपके रेड हैं, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी यानी 4/7। तो इस तरीके से ये मुझे टोटल नंबर ऑफ एप्पल 7 है, नंबर ऑफ रेड एप्पल 4 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल 4/7। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आप देखिए डिफरेंट टाइप के नंबर्स, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप्स। एक एक स्लिप्स में 1 से 10 नंबर तक हमने लिख लिया, उनको एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है। फिर उसमें से एक एक स्लिप को चूज करना है और बिना देखे हुए उसको निकालना है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। फर्स्ट है जैसे गेटिंग नंबर 6, तो 6 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी एक ही है, 1 6 है, ठीक है, तो 1/10। ना कि ये 6/10, बहुत सारे गलतियां करते हैं कि 6/10 लिख देते हैं, जबकि 6 अकेला नंबर है और वो 1 है, एक ही बार आया है, लिखा हुआ है, तो इसलिए 6 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। ऐसे सारे नंबर्स का, चाहे अगर 1 का पूछता है तो 1/10, 2 का पूछता है तो 1/10, 3 का पूछता है तो 1/10, यानी किसी भी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, यानी 6 से छोटा होना चाहिए, यानी 6 से जब छोटा नंबर आपके कौन होंगे, 5, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो 5 नंबर्स आपके क्या हैं, वो 6 से छोटे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 5/10, 5/10, 5/10, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 हुआ। ऐसे गेटिंग ये नंबर ग्रेटर देन 6, अब 6 से बड़ा नंबर कौन कौन से हैं, देखिए 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो ये 4 नंबर हो गए, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 4/10, यानी सिंप्लीफाई करेंगे 2/5 होगा। ऐसे आपका पूछ रहा है इसमें गेटिंग ये 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट का नंबर, तो एक डिजिट का नंबर 1 से लेकर के 9 तक है, यानी टोटल नंबर्स आपके कितने हो गए, 9, और 2 डिजिट का एक अकेला नंबर है जो 10 है, और टोटल आउटकम्स 10 है, यानी एक डिजिट का हमें प्रोबेबिलिटी बताना है तो 9/10। तो इस तरीके से
ये हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको वहाँ एक्सरसाइज 5.2 से भी होमवर्क दिए थे और इस एक्सरसाइज से भी होमवर्क है आपको, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू, और आपका दिन मंगलमय हो।